हाय खाने के शौकीनों, कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहना और हमारी वीडियो को देखते रहना। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है, दूध और पाउडर के लड्डू। चलिए फ्रेंड, फिर बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हमने एक किलो दूध लिया है, फुल क्रीम वाला। इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे नए फ्रेंड बने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में प्लीज। दूध को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे ये तली में लगे नहीं। दूध अभी ठीक होने लगा है और इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब हम इसमें शक्कर और इलायची पाउडर डालेंगे। शक्कर हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। दीपावली आ रही है, इस मिठाई को आप जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। 2-3 मिनट तक और चलाएंगे कलर चेंज होने तक, क्योंकि जब हम इसमें पाउडर ऐड करेंगे तो हमारा डो इस तरह का ही हो जाएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने मिक्सी में दरदरा कर लिया है, फिर इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, एक बार ये लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनते, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। दीपावली पर आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। एक बार आपने इस तरह के लड्डू खा लिए ना, तो आप बार बार बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेंगे और इसको गोल गोल शेप देंगे, बॉल की तरह हम बनाएंगे। देखो फ्रेंड, हम इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा मिश्रण हम हाथ में ले लेंगे और उसको गोल गोल शेप देंगे, बॉल की तरह कर लेंगे। और इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बना के रख लेंगे। जब सारे लड्डू बन जाएंगे तब हम इसके ऊपर पिस्ता लगाएंगे। फ्रेंड, आप पिस्ता, बादाम, काजू कुछ भी लगा सकते हैं, ये खाने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अभी मौका भी है मिठाई बनाने का, दीपावली आ रही है, तो आप इस मिठाई को बनाना लीजिए और सबका मुंह मीठा कराइए और सभी से आप तारीफ पाइए। हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइए।